सो नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज वन पॉइंट टू है और उसका क्वेश्चन वन है सॉल्व यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉमूला उसका पार्ट वन है जो टू माइनस एक्स के इक्वल्स टू सेवन एक्स है इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे हम डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं उनमें से एक वे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है सो लेट्स सी क्वाड्रेटिक फॉमूला क्या होता है सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझ लेते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सो एक्स इक्ल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी और बी स्क्र माइनस फोर ए सी का स्केयर रूट हो जाएगा ओवर टू ए एवर टू ए यस अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यहाँ जो ए बी सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आती हैं ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो सो ये एक क्वाड्रेटिक्वेजन है so, ये जो कॉफिशेंट्स हैं यहाँ पर ए बी एंड सी सो ये कॉफिशंट्स ही यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ हो रहे हैं सो so, एक अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक्वेजन होगी तो उसके कॉफिशेंट्स लेकर हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे और हमारे पास एक सिंपलीफाइड फॉर्म आ जाएगी सो लेट सी ये क्वाड्रेटिक्वेजन है बट इस फॉर्म में ये होनी चाहिए तो इसके लिए हम ये टू माइनस एक्सक्र को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे सो so दैट ये इस फॉम में आ जाए सो लेट्सी एक्स क्यर को वहाँ शिफ्ट करने से पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सेवन एक्स हैज इट इज़ जब टू को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो सो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुकी है सो यहाँ से हम ए सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं एक्स स्क् के साथ ए होता है तो यहाँ पर वन है तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी एक्स जो है उसके साथ बी होता है तो बी की वैल्यू क्या होगी सेवन सी कॉन्स्टेंट है सबको पता है कि सी की वैल्यू माइनस टू होगी अब ये ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं इस फॉमूला में पुटअप कर दें जब ये वैल्यूज इस फार्मूला में हम पुट करेंगे सो लेट्स एक्स इक्वल्स टू माइनस बी है यहाँ पर तो बी की वैल्यू सेवन है माइनस सेवन प्लस माइनस बी का हम स्क्वेयर लेना है तो बी का स्क्वेयर यानी सेवन का स्क्वेयर माइनस फोर और इसके बाद ए की वैल्यू वन है फिर सी की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस टू है तो इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा ओवर टू ए सो ए हमारे पास वन है सो लेट्स सी अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस माइनस प्लस फोर को टू से मल्टीप्लाई करें सो प्लस एट और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू इंटू वन टू हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस सेवन फिर से एज इट इज प्लस माइनस अब ये फिफ्टी सेवन हो जाएगा इसको एड अप कर दिया हमने अब इसके रूट इज इस ओवर टू और ये इसका आंसर हो सकता है इसके बाद पार्ट टू है क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मौजूद है और इसी फार्मूला में ये इक्वेशन है इक्वेशन पे फार्मूला अप्लाई होता है सो so, लेट्स ये पार्ट टू है फाइव एक्स स्क्र जो एक्स स्क्र के साथ टर्म होगी ऑब्वियसली वो ए होगी जो एक्स के साथ होगी वो बी होगी और वो एट है सी कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे अप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास गिवन है सो एक्स इक्वल्स टू सबसे पहले माइनस बी यानी बी की वैल्यू एट है तो माइनस आ जाएगा प्लस माइनस अब बी का स्क्वायर लेना है तो क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू 8 है तो 64 फोर बनता है 8 इंटू एट माइनस फोर ए की वैल्यू फाइव है और सी की वैल्यू वन है इसका स्क्र रूट ओवर टू इंटू ए फाइव होगा सिंपली हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की माइनस एट एज इट इज प्लस माइनस सिक्सटी फोर और ये माइनस फोर इंटू फाइव ट्वेंटी सो माइनस बीस आ जाएगा यहाँ पर इसका स्क्वेयर रूट होगा ओवर टू इंटू फाइव टेन सो मजीद अब सिम्पलीफाई करते जाएंगे तो ये वैल्यूज आती जाएंगी सो माइनस एट एज दिट इज़ फिर प्लस माइनस यहाँ पर अगर सिक्सटी फोर में से ट्वेंटी जाए तो जस्ट फोर्टी फोर बचाएगा ओवर टेन सो लेट्स सी अब 44 की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं सो so दैट uh, इसे अब तजी कहते हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए तो तो अगर दो को अब 22 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 44 आएगा और फिर दो को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ट्वेंटी uh, आएगा और ग्यारह एक बार ग्यारह होगा आएगा अब ये टू क्रॉस टू क्रॉस इलेवन सो तो ये टू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो दफा दो दफा दो आया है और दो का स्क्र इंटू ग्यारह सो so अब उस चवालीस की जगह पर हम ये जो, जो वैल्यूज निकाली हैं दो का स्क्वायर और इलेवन ये अब हम डाल देते हैं यहां दो का स्क्वायर इंटू एलेवन डिवाइडेड बाय एज इट इज डिनोमिनेटर में टेन ही आएगा सो लेट्स ये अब माइनस एट है यहाँ पर स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे इसकी वजह से टू को बाहर लाना पड़ेगा और ग्यारह अंदर ही रहेगा स्केयर रूट में ही डिवाइडेड बाई टेन मजीद अब हम यहाँ से दो को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर देखा जाए तो दो कॉमन आता है सो माइनस टू कॉमन आ जाएगा और टू इंटू फोर दो चार बार आठ होता है प्लस माइनस एज इट इज रहेगा दो यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन था इलेवन का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर टेन अब ये दो को हम पाँच पे कैंसल आउट कर सकते हैं टेन के साथ तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो माइनस फोर प्लस माइनस ग्यारह का स्केर रूट और डिवाइडेड बाय फाइव और ये ही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसके रूट थ्री एक्स स्क्र प्लस एक्स इक्वल्स टू फोर इंटू स्के रूट थ्री क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है ये इक्वेशन है सो so, इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल उस फॉर्म में ले आए तो उसके लिए हमें इसके रूट थ्री एक्स स्क्र प्लस एक्स और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे फोर इंटू उसके रूट थ्री क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टेंट है ये इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा अब ये क्वाडाटिक्वेजन इस फॉर्म में आ चुकी है अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्र एक्स और कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्र के साथ ए है तो जो ए है वो एक्स स्क्र के साथ है तो उसके रूट थ्री आ जाएगा एक्स के साथ बी होता है और बी की वैल्यू फिर यहाँ पर वन ही होगी और सी एज इट इज़ ये कॉन्स्टेंट सारा है माइनस फोर इंटू उसके रूट थ्री अब ये ए बी सी की वैल्यूज़ हैं ये क्वारिक फार्मूला है ये उसमें पुट अप कर दें एक्स इक्ल्स टू माइनस बी है सो माइनस वन प्लस माइनस अब बी का स्क्वेयर यानी वन का स्क्वेयर वन ही आएगा माइनस फोर ए की वैल्यू स्केयर रूट थ्री और सी की वैल्यू माइनस फोर इंटू रूट थ्री और यहाँ पर टू इंटू स्के रूट थ्री टू ए था तो इसका स्क्यर रूट है यहाँ पर सो माइनस वन प्लस माइनस वन यहाँ पर वन है और फोर इंटू फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर इंटू फोर सिक्सटीन और ये स्के रूट के अंदर आ जाएंगी दोनों टर्म्स यानी थ्री इंटू थ्री हो जाएगा ओवर एज इट इज टू इंटू इसके रूट थ्री सो माइनस वन एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस वन प्लस सिक्सटीन अब यहाँ पर देखा जाए तो थ्री का स्क्यर बनता है और जब वो कैंसल आउट होगा स्केयर रूट स्केयर के साथ तो फिर वो एज इट इज थ्री ही आ जाएगा ओवर टू इंटू स्केयर रूट थ्री सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन एज इट इज प्लस माइनस वन और सोलह को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एट आ जाएगा इसकेर रूट एज इट इज आ जाएगा ओवर दो इंटू स्केर रूट तीन अब ये फोर्टी नाइन हो जाएगा डिवाइडेड बाई वही कुछ जो डिनोमिनेटर में थे पहले माइनस वन प्लस माइनस फोर्टी नाइन का ऑलरेडी आपको पता है सात ही होता है और बाकी एज इट इज़ लिख लें अब ये इसका आंसर हो सकता है अगर ये आप चाहें तो यही आंसर लेकर चल सकते हैं बट इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है लेट्स सी वो सिम्प्लीफिकेशन कैसे होती है अगर बुक को फॉलो करेंगे तो वहाँ ये मज़ीद सिंप्लीफाइड आंसर दिया गया है ये आंसर नहीं होगा बट यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है सो लेट्स सी माइनस वन प्लस सेवन ओवर टू इंटू स्केयर रूट थ्री क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यूज थी सो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं सिक्स बच जाएगा ओवर टू इंटू स्केयर रूट थ्री अब ये दो तीन बार छः यानी थ्री ओवर स्केयर रूट थ्री सो अब देखें तो जो तीन है अब इसको हम स्केयर रूट तीन और क्रॉस तीन भी लिख सकते हैं यानी थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और उसके रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फिर भी तीन ही बचता है इसके लिए हम थ्री क्रॉस थ्री लिख लेते हैं ओवर स्क्वायर रूट थ्री सो अब थ्री स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर रूट सेपरेट आउट हो जाएगा यानी दोनों तीन जो हैं वो अलादा आलादा स्क्वायर रूट के साथ हो जाएंगे बहुत सिंपल है यहाँ पर तीन स्क्वायर रूट तीन स्क्वायर रूट से कैंसिल और फिर एक स्क्वायर रूट तीन बच जाएगा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है एक यानी एक्स की एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अब वहाँ पर माइनस की टर्म्स के साथ आ जाएंगे यानी माइनस वन माइनस सेवन ओवर टू इंटू उसके रूट थ्री ये हो जाएगा माइनस एट डिवाइडेड बाय टू इंटू उसके रूट थ्री दो चार बार आठ और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर ओवर स्के रूट थ्री सो ये एक वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर इंटू उसके रूट थ्री और दूसरी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो उसके रूट थ्री है सो ये इसका बुक में आंसर दिया गया है और बुक वालों ने ये आंसर फॉलो किया है बट दोनों आंसर राइट हैं